फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेफ़्ट ओवर रेसिपी। लेफ़्ट ओवर इडली रेसिपी है ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो आप इसको बार बार बना के खाएंगे। मैंने इसमें एक मसाले का यूज़ किया है और इसको मैंने फ्राई किया है, तो आप देख सकते हैं और इसका कलर टेक्स्चर कैसा है। और इसको आप ब्रेकफास्ट स्नैक कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी लेफ़्ट ओवर इडली और ये राइस इडली है और सूजी की नहीं है ये। तो ये इडली बची हुई है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था ताकि मैं ये वाली रेसिपी बना के आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसको कट कर ले रही हूं और इसको एक इडली के 3 पीस मैं कर ले रही हूं। आप अपने हिसाब से शेप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मुझे इसी टाइप से पसंद है तो मैंने ये काट लिया। आप देख सकते हैं इडली कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है, एकदम देख सकते हैं आप। और ये मैंने घर में ही बैटर बनाया हुआ है, तो इसका बैटर का भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी। यहाँ पे मैं तड़के के लिए लिया है ये सारी सामग्री। यहाँ पे मैंने चॉप करके 1 ऑनियन, चिली, करी लीव और मैंने यहाँ पे राई लिया है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है तेल और रिफाइंड ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद इसमें मैंने राई चटक गई, करी पत्ता डाल दिया मैंने इसके अंदर। उसके बाद इसमें पिंच जो हल्दी डालेंगे हम, और उसके बाद जो अनियन चॉप करके रखा है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और इसको हमें भून लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे भून रहा है, तो आप यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सांभर मसाला, जो कि इसमें एक अलग सा टेस्ट देगा और बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये 1 स्पून यहाँ पे लिया है मैंने सांभर मसाला। सांभर मसाला क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतनी इडली के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि सांभर मसाला बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है और थोड़ा चटपटा भी होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इडली जो मैंने कट करके रखी थी वो ऐड कर दिया है, और इडली के अंदर भी साल्ट है तो मैं उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे साल्ट ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे से हो जाए। अभी दोबारा से मैंने इसको ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा टेक्सचर है इसका और बहुत ही अच्छी बनी है ये। और इसके बाद मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो इडली को सर्व कर लिया है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं बनाई है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। 100% गारंटी है मेरी, आपको बहुत पसंद आएगी। आप हमेशा सोचेंगे कि चलो थोड़ा इडली बचा लेते हैं और ये वाली रेसिपी बना के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है ये रेसिपी तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए फ्रेंड्स, लाइक बहुत कम मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, और लाइक नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए, अच्छी वीडियो आपके लिए शेयर करने के लिए। तो लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये मसाला इडली कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।